उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी नहीं देगी जीते सांसद के बेटे बेटी और रिश्तेदारों को टिकट। विधानसभा उपचुनाव के लिए मायावती ने कसी कमर, 2 जुलाई से करेंगी हर मंडल के साथ अलग बैठक। मुरादाबाद में सीएम के दौरे के वक्त पत्रकारों के साथ बदसलूकी, धक्का मुक्की देने का भी वीडियो आया सामने। सीएम योगी के सामने ही डीएम ने पत्रकारों को रोका, एक एक कर इमरजेंसी कक्ष में किया कैद। सीएम के आईसीयू में रहने तक दरवाजा पीटते रहे पत्रकार, प्रशासन ने नहीं दिया बाहर निकलने। पत्रकारों को रोकने की घटना पर विवाद बढ़ने के बाद मुरादाबाद के डीएम की सफाई, मीडिया वालों को इमरजेंसी में रोका गया था, बंद नहीं किया गया था। मुरादाबाद में पत्रकारों को रोके जाने को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने कहा विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। प्रियंका गांधी का ट्वीट, पत्रकार बंधक बनाए जा रहे हैं, सवालों पर पर्दा डाला जा रहा है। मेरठ में मॉब लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने बिना इजाजत जुलूस निकालने की वजह से किया लाठीचार्ज। बिजनौर में पुलिस की कथित पिटाई से मारे गए विजेंद्र सिंह के परिवार से मिले भीम आर्मी के अध्यक्ष, जाति पूछने को लेकर जताया सख्त विरोध। आगरा में स्कूल का किराया मांगने पर प्रिंसिपल और स्कूल संचालक की हत्या, स्कूल के परिसर में ही शवों को दफनाया। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता और कारोबारी की हत्या, लूट के बाद गोली मारकर भाग गए बदमाश।